तो जो कनाडा में आ रहे हैं नए, उनको पता लग जाएगा कि भाई कितने में इंडियन ग्रॉसरी आती है। ग्रीन दाल, येलो दाल, सारे मसाले MDH के, एवरेस्ट के प्राइजेस आप देख सकते हो। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको काफ़ी सारा सामान बहुत सस्ते में मिलने वाला है जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैशिंग सिंह कनाडा। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। सो आज है जी मेरा डे ऑफ और आज हम करने जाएंगे जी ग्रॉसरी, जाके लेंगे जी अपना राशन पानी जो ख़त्म हो चुका है। तो जो कनाडा में आ रहे हैं नए, उनको पता लग जाएगा कि भाई कितने में इंडियन ग्रॉसरी आती है। $100 हमने रखा है जी बजट, तो $100 के अंदर हम देखेंगे कि हम क्या कुछ सामान लेकर आते हैं। चिप्स, कुरकरे, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, शैगी, सारा कुछ जाके देखेंगे, जगह भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ करेंगे बातें। सो फटाफट करते हैं जी गाड़ी को स्टार्ट और चलते हैं वॉलमार्ट की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हो जी तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली है। तो अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सारे प्राइजेस भी पता लग जाएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो फटाफट करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट, आ जाओ बस। सो लो जी, अब गाड़ी हमने कर ली है स्टार्ट, अब हम जाएंगे वॉलमार्ट, क्योंकि ये मेरे घर के पास है, 5-7 मिनट दूर ही है, इसलिए मैं वॉलमार्ट जाता हूँ। और वहाँ पर सारा ही सामान बहुत आसानी से मिल जाता है, A to Z मैगियाँ शैगियाँ सब उनके पास होती हैं, वो मैं आपको जाके दिखाई दूंगा। और उनके प्राइजेस भी बहुत लो होते हैं वॉलमार्ट के। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्रेशको हो गया, मैक्सी हो गया, जैसे हमारे इंडिया में बिग बाज़ार होता है, विशाल मेगा मार्ट होता है, सेम एज इट इज़ ही होता है। यहाँ पर जो किराने के स्टोर होते हैं छोटे मोटे, वो हमको ज़्यादा नहीं मिलते, इसलिए हम बड़े बिग बाज़ार में जाके वॉलमार्ट में जाके शॉपिंग कर लेते हैं। वहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं और बस फिर हम जाके करते हैं अपनी ग्रॉसरी इस हफ्ते की स्टार्ट। ग्रॉसरी करते हुए लग जाएगा जी 1-1.5 घंटा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कॉफ़ी पकड़ ली जाए। तो फटाफट से एक कॉफ़ी पकड़ लेते हैं और फिर करते हैं जी ग्रॉसरी शुरू। हाय, कैन आई गेट अ टॉल साइज कोल्ड कैफे मोका विद व्हिप्ड क्रीम? सॉरी, नॉट हॉट, कोल्ड, 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 या कोल्ड mocha with whipped cream, yes. And what size was it? Tall. Large. Anything else? That'll be all. Alrighty, thank you so much. May I get your name? Gurjeet. Nice to meet you. Thank you. तो कॉफ़ी पीने के बाद बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है और हम फटाफट उस एनर्जी को करते हैं यूटिलाइज। कैसे करते हैं ग्रॉसरी, आ जाओ। सो सबसे पहले तो आपको ये खाली रेडी ढूंढनी है, क्योंकि इसमें सारा सामान आएगा। फटाफट चलो अंदर। तो अब हम पहुंच गए हैं जी अपने इंटरनेशनल सेक्शन, जिसको हम कहते हैं इंडियन सेक्शन। यहाँ पर सारा ही आपको सामान मिल जाएगा इंडियन। सबसे पहले, क्योंकि $100 हमारा बजट है, तो मैं सबसे पहले वो सामान उठाऊंगा कि जो बेसिक होता है, जैसे कि हमारा आटा, दाल, चावल। तो फटाफट से मैं उठाता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये शेर आटा है, कैनेडा में बहुत ज़्यादा मशहूर होता है शेर आटा, लेकिन हमने ये नहीं लेना कि यही ले लें, यही ले लेते हैं। चलो, मैं सोच रहा था कि इस बार शक्ति भोग चक्की लेते हैं, क्योंकि इंडिया में हम शक्ति भोग आटा खाते थे, पर चलो कोई नहीं, शेर आटा ही लेंगे। और इसका जो प्राइस है इन्होंने लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है जी $21। तो $21 तो सबसे पहले आटे भी लग गए हैं, बट आपने घबराना नहीं है, ये जो आटा है आपका, ये 2 से 3 महीने चलेगा, ठीक है जी? मेरा तो इतना चल जाता है। तो अभी ये बीच में आ रहा है बंदा, हम ऐसे करते हैं यहीं पे रख लेते हैं इसको और आगे जाके आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ। सो ये आ जाती हैं जी दालें, ग्रीन दाल, येलो दाल, रेड लेबल चाय, यहाँ से लेके टाटा प्रीमियम, वेर का मैंगो पल्प, सारा कुछ आप देख सकते हो कि अवेलेबल होता है। राजमा, और इनके प्राइस आप देखो $8, $7, $6, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। मेरे पास दाल रोंगी भी पड़ी है इनके पास, मेरे को अभी दाल वगैरह की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं लूँगा। बट जस्ट आपको मैं आइडिया देने के लिए प्राइजेस दिखा रहा हूँ कि $6 से $7, और ये कम से कम 2-2 किलो की हैं, तो बहुत देर चल जाती हैं। आ जाओ।
सो अब हम बात करेंगे जी मसालों की। कोई भी मसाला आपको संजीव कपूर का चाहिए, चाहे शेफ़ अरुण का चाहिए, सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। सारे मसाले MDH के, एवरेस्ट के प्राइजेज आप देख सकते हो, $1, $1.97, $2, $2 में आपको मसाले भी सारे मिलने वाले हैं जी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा मसाला मसूला पड़ा है। और देखते हैं चीज़ें। लो जी, गोलगप्पों के जो शौकीन है घर पे बना सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गोलगप्पे यहाँ पर, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, मटड़ी, सारा कुछ मिलता है $3 में। $3 से लेके $4 में आपको गोलगप्पे की पूरी मिल जानी है। घर पे बनाओ, खाओ। सामान भी लेते हैं ना कुछ, सारा कुछ मैंने आपको बता तो दिया ही है। सबकी फेवरेट मैगी, दो बहुत है। मैगी मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा खाने को होता नहीं है, तो क्या करें, कभी कभी मैगी भी बनानी पड़ जाती है। और बिस्किट ले लेते हैं अपने 50-50 वाले, मेरे फेवरेट, 3 पीस इसके ले लेते हैं। और रस ले लेते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, $2 से $4 की गेम है सारी। और ये वाली नमकीन ले लेते हैं, भुजिया, कुरकरे, $1, $1। अब हम जाते हैं जी दूध दही केले वाली साइड पे, वहाँ जाके मिलते हैं। बहुत ही सस्ते हमको $2-4 में दो जूस हमको मिल गए हैं। और हम ये भी ले लेते हैं, और आगे जाके लेते हैं जी शक्तिशाली दूध। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है जी आलू प्याज, सारे ही हम बहुत पसंद करते हैं। ये है जी $6.97 में आपको 5 किलो आलू और 5 ही किलो प्याज। लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं लास्ट वीक आलू प्याज ले गया था, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब हम जाएंगे उस तरफ, फ्रूट्स और वेजिटेबल वो मेरे को चाहिए। और साथ साथ आपको भी दिखाता हूँ कितना प्राइस चल रहा है, आ जाओ फिर। जो फ्रूट्स का हिसाब था भाई, ये सारा होता है जी वेट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि ये वाटरमेलन आप देख सकते हो कि $5.97 लिखा है, लेकिन ये नहीं है कि ये कौन सा भी आप उठा लो, ये इनके वेट के हिसाब से होता है। तो जो भी आप फ्रूट उठाओगे उसके वेट के हिसाब से उसका प्राइस होगा। जैसे कि अब यहाँ पर $1 लिखा हुआ है, तो ये $1 का अनार नहीं है, ये $1 LB लिखा हुआ है इन्होंने, ऐसा कुछ हिसाब किताब होता है। और ये है जी बनानास, अब हम लेंगे जी बनाना, ये वाला ले लेते हैं, इसका भी वेट के हिसाब से ही होगा। वहाँ जाके जब हम कैशियर पे जाके कैश कराएंगे तो वो वेट बता देंगे। और उसके बाद अब हम देखते हैं जी वेजिटेबल्स। यार जो वॉलमार्ट है ना, वो दो छुट्टियों के बाद आज ओपन हुआ है, तो आप देख सकते हो सारे लोगों ने लूट मचा दी है, सारी ही सब्जी हो गई हैं खाली। अब मैं क्या लूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही। गोभी हमारे पास पड़ी है, कद्दू ले लेता हूँ, खट्टा मीठा कद्दू मेरे को बहुत पसंद है। लो बैंगन भी देख लो, बेचारा अकेला ही पड़ा है। तो ये वाला कद्दू हम उठा लेते हैं। और बाकी आप प्राइजेस देख लो यार, कि $1 में धनिया मिल रहा है, पुदीना मिल रहा है, पर ये खाली है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं। ये शिमला मिर्च आप देख सकते हो कि भाई ये पर केजी $7, एक अगर लेनी है तो $3 की, ये मैंने अभी पूछा है उनको। और हम मशरूम भी ले लेते हैं, ये वाला ठीक है यार। अगर पालक मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, पालक मेरे को बहुत स्वाद लगती है। तो लगता है नहीं, ये नहीं है पालक, हाँ ये है पालक। भी ले लेते हैं $6.97। अगर आपको पसंद है जी देसी घी के पराठे, तो आपको देसी घी भी यहाँ पर मिल जाता है। इंडिया से मत लेकर आना, एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। $8.77 में देसी घी मेरे पास अभी पड़ा है, लेकिन मेरे को लेना है जी वेजिटेबल ऑयल। और मैं लेता हूँ जी ग्रेट वैल्यू का वेजिटेबल ऑयल। ले लेते हैं ये वाला, इसका रेट नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं, मैं आपको बिल में बताऊँगा कि इसका कितना रेट है। इसको भी उठा के रखो यहाँ पर। सबके फेवरेट ब्लू लेस, ओनली $3.68, $6 दे दो। अगर आपके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जी रेडीमेड फूड भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि पिज़्ज़ा स्लाइसेस आप देख सकते हो कि $4.97 में आपको ये पूरे का पूरा रेडी पिज़्ज़ा, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारी आपको अवेलेबल है यहाँ पर, आप ये भी ले सकते हो। और फ्राइज़ वगैरह सारी, आइसक्रीम, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है $5.68, बहुत ही ज़्यादा सस्ता।
सो ये सारा आ जाता है जी चिकन सेक्शन। मैं तो वेजिटेरियन, मैं तो चिकन खाता नहीं, लेकिन यहाँ पर चिकन की बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है, हलाल भी होता है और दूसरे टाइप का सारे तरह का चिकन होता है और बहुत ही सस्ता होता है। जैसे कि ये $12 में आपको ये सारे लेग पीस मिल जाएंगे और ये शायद चिकन ब्रेस्ट है, ये 1260-1279 में मिल जाएंगे। तो चिकन वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको काफ़ी सारा सामान बहुत सस्ते में मिलने वाला है जी। सो लो जी, अभी के लिए मेरे को लगता है कि हमारा सारा सामान हो चुका है जी पूरा, अगर कुछ रह गया है तो मैं 2 मिनट ज़रा सोच लूँ। सो लो जी, सामान हमने सारा ले लिया है मेरे अकॉर्डिंगली, और ये जो हमने सामान लिया है ये वो वाला सामान लिया है कि भाई जो एक आम बंदे को ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने $100 ही बजट रखा था। बाकी हम लाइन में लगे हुए हैं, देखते हैं कि भाई कितना बनेगा बिल और उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल मैं आपको बताऊंगा और चीज़ें भी दिखाऊंगा कौन कौन सी। वैसे आपने सारी देख ही ली हैं, बट और सारी चीज़ें भी मैंने ली थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस 2 मिनट वेट करो, उसके बाद देखते हैं कितना बनता है जी अपना बिल। बिलिंग हमने करा ली है, जैसे कि आपने देखा कि $120 हमारा बिल बना है, थोड़ा सा $20 ऊपर नीचे हो गया है, जैसे कि महंगाई आजकल हो रखी है। वैसे यूजली $100 के अंदर आ ही जाता है सारा सामान। तो ये तो होगी ग्रॉसरी, अभी वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो जुड़े रहो वीडियो के साथ। सो लो जी, ग्रॉसरी हमने कर ली है और अब हम करते हैं जी कुछ ज़रूरी बातें कि आपको अगर कपड़े लेने हैं काम पर डालने के लिए, पार्टी वेयर चाहिए, शूज़ चाहिए, अगर आपको सेफ्टी शूज़ चाहिए, आपको यहाँ पर कनाडा में अगर आप किसी फैक्ट्री में या वेयर हाउस में काम करने के लिए जाते हो तो आपको स्पेशल शूज़ ख़रीदने पड़ते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, बॉयज़ के भी गर्ल्स के भी। और यहाँ पर अगर आपको घर का कोई सामान लेना है, जैसे कि बर्तन, कोई टावल, कोई स्प्रे, कोई कपड़े धोने वाली चीज़ें, वो भी सारी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं, अगर आपको कोई गेम्स वगैरह का शौक है, गेम्स लेनी है, कोई किड्स का सामान लेना है, सारा गेमिंग सेक्शन भी यहाँ पर है। और यहाँ पर लड़कियों के लिए स्पेशल कॉस्मेटिक्स भी होते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। आप देख सकते हो कि भी प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। और आपको जो मैंने मेन बात बोली थी कि आपको जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको यहाँ पर अगर ये आप गलती करोगे तो आपको हो सकता है जी जेल भी हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोग हैं उनको जी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे, क्योंकि वो क्या करते थे जी, वो यहाँ पर सेल्फ जो चेकआउट्स मशीन्स हैं उनको यूज़ करते थे। कई लोग जो बुरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भी कोई स्कैन ही नहीं करते किसी आइटम को और उनके कार्ट में ऐसे ही ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बंदा चेक करने के लिए नहीं होता। लेकिन जी आजकल बहुत हो चुकी है जी सख्ताई, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, सेल्फ चेकआउट मशीन यूज़ मत करना। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप करो जी कैशियर यूज़, जहाँ पर बंदा खड़ा होता है वो आपकी सारी चीज़ें स्कैन करेगा और आपको पैसे दे के आप अपना सामान ले जाओ। तो आपको इस चीज़ का जी बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो लगी हुई जी अच्छी और आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिली है, मेरे को पता है, और आप मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हो अगर आप कनाडा का प्लान कर रहे हो, तो चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू।